टीकमगढ़ जिले के दिगोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खोराई के कुछ दबंग लोगों ने वर्तमान सरपंच और उनके साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके संबंध में दिगोड़ा पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन दिनांक 5/10/2022 से लेकर दिनांक आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की प्रशासन से मांग की गई। बताया जाता है कि पीड़ित परिवार व सरपंच दिगोड़ा बाजार से लौट रहे थे, उसी दौरान गाँव के कुछ दबंग लोगों ने चुनावी रंजिश को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडों एवं कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक और मनोज खरे की रिपोर्ट। ग्राम खरुई की रहने वाला, मैं दुगोड़ा आ रहा था खरुई से कटिंग करवाने के लिए। मैं वापस घर जा रहा था लदोहरा रोड पर, ग्राम खरुई सैपट के चौराहे पर 2 नंबर कलाई पर। वहाँ कुछ लोगों ने छेक लिया, गांव के थे सजन और टिंकू और दौलत का सोनू मनोज और उनके अन्य लोग थे। बोल रहे थे उन कुल्हाड़ी मारी और हमला कर दिया, जान से मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं कि सरपंच ज़्यादा करने लगा है तू, ज़्यादा सरपंची चढ़ गई है तेरे को, चमड़ा करके बोलते हैं। कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है गांव में, थाने में रिपोर्ट कराई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुल्हाड़ी लेके मार दिया है। बोल रहे थे कि चमार सरपंच नहीं बनेगा, हम ही चलाएंगे, गिन गिन के मारेंगे, चमड़ा साले हरो रहने नहीं देंगे घर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।